PNG ज्वेलर्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे सनातन धर्म के बारे में उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन के वकील से कहा, आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक मंत्री हैं, आपको परिणाम पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन के वकील से कहा, आप भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई 15 मार्च के लिए स्थगित कर दी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन से कहा, आपने अनुच्छेद 19(1)(a) और (25) के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, आप अनुच्छेद 32 के दायरे में आ गए हैं। स्टालिन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी का मानना है कि वह बयान को उचित नहीं बता रहे। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि स्टालिन के खिलाफ 6 राज्यों में FIR दर्ज हैं और सिर्फ उन्हें एक साथ करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें संबंधित हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा। सिंघवी ने कहा, मुझे 6 उच्च न्यायालयों में जाना पड़ेगा, मैं लगातार इस काम में उलझा रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों के मुद्दे पर दायर एक याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस याचिका में विरोध और प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए शीर्ष अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि ये जटिल मुद्दे हैं। बता दें, याचिका में मांग की गई थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और उनके इस अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। याचिका में पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोकने के लिए बनाए गए अवरोधों को भी हटाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि वे केवल प्रचार के लिए ऐसी याचिकाएं दायर ना करें जो अखबारों की रिपोर्टों पर आधारित हो। याचिका पर जब कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की तो याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने याचिकाकर्ता के खेद जताने के बाद याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी और कहा, अगर आपने अखबार की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और हाईकोर्ट ने इस मामले में कई निर्देश जारी किए हैं। अगली बार ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1998 के नरसिम्हा राव बनाम CBI के फैसले को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया। वर्ष 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था सदन में संसद और विधायकों को वोट के लिए मिलने वाली रिश्वत के मुद्दे को लेकर जन प्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के चलते सांसद या विधायक सदन में वोट के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने सहमति से दिए गए अहम फैसले में कहा, विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने TMC नेता महुआ मोइत्रा के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें महुआ मोइत्रा ने BJP सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को ऐसी कोई भी सामग्री प्रचारित प्रसारित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने संसद में प्रश्न पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी से रिश्वत ली थी। झारखंड से BJP के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ ने कैश गिफ्ट के लिए संसद में सवाल पूछे थे। बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी से रिश्वत लेकर ये सवाल पूछे गए थे। महुआ ने अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल संसद में पूछे और दर्शन हीरा नंदानी को लाभ पहुँचाने की कोशिश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने TMC नेता महुआ मोइत्रा के इस आवेदन को तब खारिज किया जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वोट फॉर नोट मामले में सख्ती करते हुए इसे भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करार दिया और 1998 के अपने फैसले को पलट दिया। दिल्ली लिकर स्कैम मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मनीष सिसोदिया की ओर से उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उन 2 उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का सोमवार को अनुरोध किया,
जिनमें दिल्ली लिकर स्कैम से संबंधित भ्रष्टाचार एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के कोर्ट के 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जे बी पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच से कहा कि एक अधीनस्थ अदालत ने कहा है कि वह उपचारात्मक याचिकाओं पर फैसला होने तक जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे ईमेल के जरिए भेजने को कहा और उसके बाद इस पर गौर करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय को खाली करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और पार्टी ने इस पर अतिक्रमण किया है, जिस पर अतिरिक्त कोर्ट रूम बनाया जाना है। कोर्ट ने कहा कि वह पार्टी दफ्तर के लिए जमीन हेतु केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करे। यह दफ्तर हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी अतिक्रमण हटाए जाएं और दिल्ली हाईकोर्ट को जमीन पर कब्जा दिया जाए ताकि इसका उपयोग नागरिकों के लिए किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और वित्त सचिवों को सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए अगली तारीख से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलानी चाहिए। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेटेड रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।